अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम यूनिट नंबर 4 इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। पहले तो आप देखें कि इकोसिस्टम है क्या। हमारे माहौल में यानी हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस ले सकती हैं, जो अपनी जो खाना खाती हैं, वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या हैं? प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द वो बहुत सारी चीज़ें जैसे हवा, पानी, सॉइल, ये सब क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन दोनों का आपस में जब इंट्रैक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब कैसे इंट्रैक्ट होता है कि एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ह्यूमन से प्लांट्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसी तरह अगर इनकी बात की जाए तो प्लांट्स क्या हैं? सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं, इंसान पानी हासिल करते हैं, सूरज की रोशनी हासिल करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक इकोसिस्टम बनाती हैं। उसके बाद अगर हम प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की बात करें कि ये क्या है, प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो अपनी खुराक कौन खुद बनाते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, इससे पहले भी साइंस सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया, यानी आप हमेशा से सुनते आए हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। किस तरह? सूरज से रोशनी हासिल करके फोटोसिंथेसिस के अमल से। इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स वो प्लांट्स हैं जो पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के नेक्स्ट 3 काइंड्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर्स वो हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपनी खुराक बनाते हैं। ये कंज्यूमर्स की 3 काइंड्स होंगी। उसके बाद हम फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन क्या कहते हैं कि एक के बाद एक स्टेप खुराक हासिल करने का, कि किस तरह एनिमल्स या प्लांट्स एक दूसरे से खुराक हासिल करते हैं, किस तरह अपनी खुराक तैयार करते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिए प्लांट्स को, तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनको क्या है कि देखते हैं हम कि इनको इंसेक्ट्स अपनी खुराक बनाते हैं। इंसेक्ट्स को अब किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? ऑयल ने खाया। अब क्या है कि इनको देखें स्टेप बाय स्टेप, तो ये एक फूड चेन बन रही है, यानी हर कोई दूसरे से खुराक हासिल कर रहा है। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, फूड चेन इसे कहते हैं। उसके बाद फूड वेब की बात करें तो हम पहले देखेंगे कि वेब क्या है। वेब का मतलब है जाल। पहले तो आपने देखा कि एक टाइम में एक ही जानदार खुराक हासिल कर रहा है, फिर उससे अगला जानदार उसी को खुराक बना रहा है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि बहुत से जानदार एक ही वक्त में एक ही जगह से खुराक हासिल कर रहे होते हैं। जैसे देखें लीफ बना हुआ है, तो अब लीफ से कौन कौन खुराक हासिल कर रहा है? रैबिट भी कर रहा है, स्नेक भी कर रहा है और माइस भी कर रहा है। क्या है कि एक ही जगह पर तीनों जानदार अपनी खुराक हासिल करें, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 3, यानी एक ही वक्त में बहुत सारे जानदार एक ही जगह से खुराक हासिल कर रहे हैं और फिर उनसे आगे बहुत से जानदार खुराक हासिल करें, इसको क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। उसके बाद अगर फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम की बात करें कि एनर्जी का बहाव इकोसिस्टम में किस तरह होता है, तो आप देखेंगे कि जब प्रोड्यूसर्स से इंसेक्ट्स खुराक हासिल करते हैं, तो अब अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में फॉर एग्जांपल 10,000 एनर्जी होती है, तो जब रेस्पिरेशन का अमल होता है यानी इंसेक्ट्स प्लांट से खुराक हासिल करते हैं, तो क्या होता है कि एनर्जी का 10वां हिस्सा यानी 10% हिस्सा इंसेक्ट्स के पास आता है। यानी अगर हमने फ़र्ज किया कि 10,000 एनर्जी प्लांट्स के पास है, तो फिर इनके पास कितनी आएगी? इंसेक्ट्स के पास 1,000 आएगी, ठीक। इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स के पास स्नेक की बात करें, तो स्नेक के पास एनर्जी का कितना हिस्सा आएगा? उसका 10% आएगा, यानी 100। इसी तरह नेक्स्ट अगर ऑयल है तो उसके पास कितना आएगा? 10। यानी हर अगले स्टेप में एनर्जी का लेवल कम होता जाता है रेस्पिरेशन के जरिए। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल्स के इकोसिस्टम में बात करें तो हर वो दर्जा जो इकोसिस्टम में शामिल होता है वो मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। ये सब क्या हैं? ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। किस तरह? पहला आपके पास ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल का
सेकेंड लेवल है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, इसका नेक्स्ट लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स, यानी दर्जाबंदी के अमल को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। इस चैप्टर को आपने इंतहाई इजी तरीके से समझा, इसको समझने के बाद इसकी मुकम्मल रीडिंग कीजिए और इसे याद कीजिए। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।